बड़ा गुड न्यूज मेरे को मिला है जो आप लोगों के लिए। मैं बेसिकली इस घर में आया क्योंकि प्यू वो घर में बैठा है, अपना कार्टून देख रहा है, कार्टून एंजॉय कर रहा है। उसका सीरियल देखना मतलब वही है कि वो अपना कार्टून देख रहा है। और मैं ये घर में आया, मेरा ब्लॉग फाइनली एडिट हो चुका है, एडिट होकर वो अभी फाइल बन रहा है जो कल शाम को मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उस 80,000 व्यूज हम लोगों ने क्रॉस कर चुके हैं, वो नामुमकिन के जैसा है। 131 सब्सक्राइब में 80,000 व्यूज क्रॉस करना मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो 80,000 व्यूज़ जब मैं देख रहा था वो टाइम में स्टूडियो में, मैंने देखा, एनालिसिस किया कि मेरा ज़्यादातर जो व्यूअर्स है वो शाम को 7 बजे के बाद ही मेरा व्यू ज़्यादातर वायरल होता है। तो इसीलिए अभी से मैंने फिक्स किया कि मैं 7:30 के अंदर मेरा वीडियो जो भी होगा डेली का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। मैं बेसिकली एक महीना से मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने फ्रिज के पीछे वाला पाइप को जब से मैंने लगा दिया है तब से यहाँ से पानी निकालना भी बंद हो गया। और इसका ट्रे के अंदर एक एमसील लगा दिया, उससे क्या होता है पानी जो है वो ट्रे के अंदर आता है। और जैसे मैंने इससे पिछले वाला व्लॉग में दिखाया था कि बाहर पानी आ जाता है, वो वाला पानी भी अभी जमता नहीं है, बाहर आता भी नहीं है, पूरा एकदम क्लीन सूखा सूखा रहा है। एज हो गया है 23, अभी फिर भी बैठ बैठ के कार्टून देखेगा। देखो कैसा हालत है, कैसा हालत है, देखो बैठ बैठ के कार्टून देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। देखो और मेरी तन्हाई से जिंदगी, देखा सुना क्या बोलता है, मैं और मेरी तन्हाई वाली जिंदगी। देख 6-7 महीना बाद मैं खा रहा हूँ जो है चाउमीन, पूरा प्योर प्योर वेज वाला चाउमीन है, इसमें ना है चिकन ना कुछ। आज मन किया वेज वाला खाने के लिए इसलिए वेज बना वाला है। मेरा यहाँ पे ब्लॉग एडिट होके फाइल बन गया है, फाइल अभी वीडियो से रिव्यू चेक कर रहा हूँ कि कैसा बना है, उसका साउंड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, कल मैं डाल पाऊंगा कि नहीं। सामान रखे आएगा अभी थोड़ा सा निखिल सर का ब्लॉग यहाँ पे दिखा जा रहा है, वो है 4K में दिखा जा रहा है। सो 4K में दिखा जा रहा है मतलब मेरा भी ब्लॉग आएगा बहुत जल्दी, 4K में ही आने वाला है बहुत जल्दी। तो सुबह का शुरुआत बेसिकली थोड़ा लेट से हुआ है, अभी 11:20 हो रहा है, मतलब प्यू को छोड़ के सुबह का टिफिन करके फ्रेशन अप होकर सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं सोचता हूँ कि डेली डेली मैं एक ही बात दिखाता हूँ, इसलिए मैं सोचा आज थोड़ा लेट से आराम से शुरू करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा शेविंग कर लूँ क्योंकि ये शेप और अच्छा नहीं लग रहा है करके, थोड़ा सा क्लीन शेप हो जाऊँ, कैसा लग रहा है क्लीन शेप करके एक बार देख लेता हूँ। अगर अच्छा लगता है तो क्लीन शेप ही रखूँगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो ऐसे ही रखूँगा। डेली क्या होता है, दोपहर को जाके खाना पकाओ, फिर ये टाइम में जाके खाना पकाओ कुछ ना कुछ। तो अभी क्या था कि कल रात को मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया था क्योंकि अभी सीज़न शुरू होने वाला है, फिर से सीज़न मतलब क्या गेस्ट आने वाला है, लॉकडाउन खुल गया है, कल SOP जारी हो गया है कि फिर से खुल जाएगा आज से। तो आज से सब कुछ टोटल ऑलमोस्ट खुल गया है, बीचेस वगैरह नहीं खुला है, सिल्वर जेल वगैरह खुल गया है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो इसीलिए गेस्ट आना धीरे 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 करके शुरू होगा करके मैं उसी हिसाब से मैं करके रख दिया था घर में खाना। सो आज सुबह अभी जाके कोई मेरा ड्यूटी घर में नहीं है, सो इसलिए मैं बैठ के आराम से यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देखूँगा, नेटफ्लिक्स देखने के बाद आराम से नहाने जाऊँगा, प्यू को लेके आऊँगा, खाना खाऊँगा, ऑफिस जाऊँगा। उसके साथ साथ ये कैमरा का चार्ज हो गया है ख़त्म, अभी इसका चार्जर देखना पड़ेगा। इसका चार्जर मैंने शायद से, मेरे को लगता है कि यहाँ पे मैंने रखा है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा इसमें रखा है कि नहीं, तो लगता है उस दिन मैंने तो रखा था इसमें, कहाँ इसमें ही है चार्जर। सो अभी ये कैमरा को मैं चार्ज कर देता हूँ इसके साथ। सो चार्ज जब तक होगा तब तक मैं नेटफ्लिक्स में वीडियो देख लेता। बेसिकली बहुत दिन के बाद मैंने देखा कि आज मैंने नेटफ्लिक्स देखा, नहाने गया, आया, अभी तक लोड शेडिंग नहीं हुआ, मतलब बहुत देर तक से सुबह लोड शेडिंग हुआ था, 2 बार हुआ था, उसके बाद अभी तक लोड शेडिंग नहीं हुआ। मतलब बेसिकली SOP कल से जारी हुआ था, कल से जारी हुआ था, जितना भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है वगैरह सब कुछ खुल गया है। और एक चीज़ बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए और भी अच्छा है कि 10 बजे तक हम लोग बाहर घूम सकते हैं, जो कर्फ्यू 9 बजे तक था वो कर्फ्यू 9 बजे से हट के 10 बजे तक हो गया, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू हुए हैं। अभी थोड़ा किचन में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला कि कुछ बनाना नहीं है, सच्ची में कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ कल वाला जो बच गया है उसको सिर्फ गर्म करना है। सो अभी किचन में जाना है, वो वाला थोड़ा थोड़ा सामान है दोपहर का खाने के लिए, वो अभी भी आधा घंटा बाकी है, तो वो टाइम में मेरा ये सब तीनों चीज़ तीनों खाने का सामान मेरा गर्म हो जाएगा, तो हम लोग खा सकते हैं। बेसिकली मैं ये जगह का वीडियो नहीं बनाता हूँ,
अभी बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि उस दिन मेरे को क्यों बोला कि तुम ये जगह को धोने के बाद साफ़ नहीं करते हो। अभी उसको दिखा सकता हूँ मैं कि हाँ मैं साफ़ करता हूँ करके। सो अभी यहाँ पे दाल गरम हो रहा है, ये होने में और 5 मिनट लगेगा, दाल गरम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा सोयाबीन डाल के रखा है तो दाल का टेस्ट अच्छा हो जाता है और खाने में भी थोड़ा पेट भर जाता है। और आलू का सब्ज़ी जो मैं दिखाता हूँ वो वाला ऐसा है, बॉईल करके उसको थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा सूखा वाला मिर्चा से थोड़ा सा इसको ये करना पड़ता है, तो ये वाला ऐसा हो जाता है बहुत। तो बेसिकली किचन का जितना भी खाना वगैरह गर्म करना था वो वाला गर्म हो गया, सिर्फ चावल गर्म नहीं किया क्योंकि चावल गर्म करना नहीं होता है। बेसिकली फ्रिज से जो भी खाना आप निकाल के खाने के लिए कोशिश करो उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखो, गर्म हो जाएगा खा लो, उसको अलग से ओवन में डाल के गर्म करना नहीं होता है, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, मतलब उतना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, उतना भी हानि। सो जैसे मैं शेविंग करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्री फील हो रहा है, जैसे उसमें थोड़ा सा एजेड लग रहा था लेकिन अभी ये वाले में मेरा ओरिजिनल मेरा जो एज है उस हिसाब से मेरे को अभी लग रहा है कि हाँ चलो ठीक ठाक है अभी फेस। सो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ये वाला चालू हो गया है यहाँ पे। सो अभी मेरा एडिटिंग चालू होगा, मैंने ऑलरेडी इसमें से जो इतना भी फाइल था मेरा वो फाइल मैंने कॉपी करके इसमें ले लिया, तो थोड़ा बहुत मेरा काम में भी हेल्प हो जाएगा, मैं कॉपी करके ऑलमोस्ट इसमें डाल देगा सो फिर एडिट करना शुरू कर देगा, फिर शाम का भी जितना होगा थोड़ा बहुत तो वो भी ऐड करके इसमें डाल देगा, तो मेरा व्लॉग जल्दी से जल्दी एडिट हो जाएगा और भी जल्दी मैं आप लोगों के लिए मैं रिलीज़ कर सकता हूँ व्लॉग को। तो आप अभी अभी मैं और पीयू घर आए, घर आके अभी ड्रेस चेंज कर रहे हैं, अभी जाएंगे किचन में खाना पकाने के लिए, ये वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि इसके बाद खाना पकाने जाएंगे तो बिज़ी हो जाऊंगा और ब्लॉग को भी एडिट करना है। सो यहाँ पे ही ब्लॉग को एंड करता हूँ, अगर यहाँ तक टिल नाउ ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के, तब तक के लिए टाटा बाय।